कैंसर सर्वाइवर की डायरी, डायरी ऑफ ए कैंसर सर्वाइवर, कुलभूषण दीप, पार्ट 1। मैंने कहा आपको जिंदगी से इश्क है, और उन्होंने कहा मुझे ब्लड डोनेशन से इश्क है। और ये जवाब था कुलभूषण अरोरा जी का, जो इनका पेन नेम कुलभूषण दीप भी है। और आज मेरे हाथों में उनकी किताब, जिसका टाइटल है कैंसर सर्वाइवर की डायरी, डायरी ऑफ ए कैंसर सर्वाइवर। और क्योंकि आजकल हम किताबें पढ़ने से ज़्यादा सुनने लगे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना पढ़ते पढ़ते इसे रिकॉर्ड किया जाए, ताकि ये जो किताब है, ये जो डायरी है कुलभूषण दीप जी की, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कैंसर सर्वाइवर की डायरी, कुलभूषण दीप अरोड़ा जी की ये किताब। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। एक निवेदन है, आपके हाथ में जो किताब है वो कोई उपन्यास या साहित्य रचना नहीं है, एक कैंसर के मरीज की डायरी है। ग्रामर या अन्य गलतियों पर ध्यान ना दें, ना ही कोई कहानी समझकर पढ़ें। जैसे डायरी लिखते समय गलतियों पर ध्यान नहीं जाता, ठीक वैसे ही पढ़ते समय आप केवल उन भावनाओं को पढ़ें। मैंने अपने संघर्ष के सफर में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए कुछ तरीके ढूंढे, आप उनको ढूंढें इसमें और समझें। हो सकता है ये छोटी छोटी बातें आपके किसी काम आ सकें। गलतियां सुधारने की कोशिश नहीं की है मैंने, अपनी भावनाओं को ज्यों का त्यों रखा है। आशा है मेरी इस धृष्टता को आप अन्यथा नहीं लेंगे और गलतियों के लिए मुझे क्षमा करेंगे। असल में मैं चाहता था कि ये डायरी मेरी ही हैंडराइटिंग में लिखी हो, तब तो इसे पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता, इसीलिए इसे छपवा कर आपके हाथों में दिया है। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप इसे अवश्य पसंद करेंगे। बहुत आभार, कुलभूषण दीप। तो हैंडराइटिंग के मामले में तो हम भी कुलभूषण दीप जी जैसे ही हैं, अपनी ही समझ में नहीं आती। तो चलिए प्रस्तावना की तरफ बढ़ते हैं। प्रस्तावना, नमस्ते। मुझे याद नहीं कि 1990 तक मैंने कभी ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स के बारे में सुना हो, कम से कम अपनों के बीच तो कतई नहीं। मगर मुझे नहीं पता था कि मेरा ही पाला पड़ने वाला है कैंसर के मरीज से, वह भी मेरी पत्नी। कैंसर भी घातक वाला, फूड पाइप में। उन दिनों में बहुत एडवांस इलाज और जांच के साधन भी नहीं थे, यह सब 1997 में हुआ, मेडिक्लेम की जानकारी नहीं थी। जब कैंसर से भिड़ना पड़ा तो समझ में आया कि कैंसर सिर्फ शरीर का रोग नहीं है, कैंसर एक शारीरिक बीमारी होने के साथ साथ मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और वित्तीय पीड़ा भी उत्पन्न करता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज के दौरान और उसके बाद की जिंदगी में व्यक्ति को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मानसिक तौर पर डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी समस्याएं सामने आती हैं। इसके अलावा समाज में स्टिग्मा और सामाजिक दूरियां भी व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। वित्तीय पक्ष से भी इलाज की महंगाई और कमाई पर असर पड़ता है। मेरा मानना है इसलिए कैंसर का इलाज शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और वित्तीय रूप से भी समझना और सामना करना ज़रूरी है। इसमें सपोर्ट ग्रुप, काउंसलिंग और विशेषज्ञ परामर्श मददगार साबित हो सकते हैं। ये सभी माध्यम व्यक्ति को सहायक सुझाव और सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। 2014 में मुझे जब कैंसर हुआ तो ये सभी तथ्य साक्षात दिखे। मेडिक्लेम ने आर्थिक झटके से तो बचा लिया, मगर शरीर और मन ने सब कुछ झेला। 2021 में फिर से कैंसर का आना, और वो भी ऐसे समय में जब कोरोना का सेकेंड वेव पीक पर थी। उफ, कितने डरावने दिन थे वे। ये किताब 2014 से 2024 तक मेरी ज़िंदगी की डायरी के पन्ने हैं, जिनमें मेरे दर्द, पीड़ा, तकलीफ़ें, मेरी बेबसी, मेरी हिम्मत और जीने की जिद की यात्रा है। आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ इस विश्वास के साथ कि मेरे अनुभव किसी को मोटिवेट कर सकें, तो ये सब लिखना सफल हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद जो इस किताब के साथ इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं।
आपका साथ और आपका समर्थन मुझे हर समस्या का सामना करने की ताकत देता रहेगा। धन्यवाद, कुलभूषण दीप। तो ये थी प्रस्तावना, और इससे पहले कि हम डायरी की पहली एंट्री यानी चैप्टर वन पर चलें, कुलभूषण जी ने खुद अपनी इस किताब की समीक्षा भी लिखी है, एक मज़ेदार। तो शुरुआत करने से पहले चलिए उस समीक्षा को भी पढ़ लेते हैं। मेरे लिए किताब लिखने का अर्थ, मैं अपने मन की पीड़ाओं को किसी से कह नहीं पाता, कहा भी तो समझेगा कौन। मैंने बचपन से ही लिखना शुरू किया। घर पर पता चलते ही नाना जी ने जोरदार तमाचे जड़ दिए। कॉलेज पहुंचा, पढ़ाई लिखाई में एक औसत दर्जे का स्टूडेंट रहा। रक्तदान और थोड़ा बहुत लिखना चलता रहा। 1977 में मुझे साहिर लुधियानवी जी से मिलने के लिए 5 मिनट के समय का जुगाड़ हो गया। पता नहीं मेरे 10 बार किए रक्तदान की बात किसने उन्हें बताई। तब उन्होंने आग्रह कम आदेश अधिक दिया कि मुझे रक्तदान पर फोकस करना होगा। 1978 से 81 तक मुझे सुधा दी का साथ मिला और उनके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा। 1 जनवरी 1983 को सुधा दी अकस्मात मृत्यु मेरे लिए वो पीड़ा लेकर आई जिसका निदान समझ से बाहर था। एक रात सपने में सुधा दी मिली और बोली कि एक किताब लिख दे हमारे संबंध पर, और मैंने खामोश इमारत लिख दी, छप भी गई। मुझे लगा कि सुधा दी की सब यादें तो वैसी ही हैं, मगर जो पीड़ा की भावनाएं थी वो अब नहीं हैं। ये कैंसर सर्वाइवर की डायरी मेरे 14 से 2024 तक 10 वर्षों की कहानी है, जिसे लिख देने के बाद मन इतना हल्का महसूस हो रहा है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यादें सब ज्यों की त्यों हैं, मगर वो पीड़ा, संघर्ष और एक एक दिन को जी लेने की लड़ाई की भावना का दर्द बहुत कम हो चुका है। वैसे इसको पढ़कर क्या कोई समीक्षा करेगा, और मुझे लिखने से जो मिला है वो एक अनमोल रत्न है। मैं नहीं कह रहा आप इसे खरीदें या पढ़ें, वो आपकी इच्छा है। मुझे तो खुद को खुशी देनी है, और वो सच में आनंद है जिसे केवल मैं ही समझ सकता हूँ। वो पिज्ज़ा, बर्गर, पेप्सी वाली बात भी एकदम सही है। शायद 370 रुपये में और भी बहुत कुछ आता होगा, क्यों है ना। मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा, अपनी ही किताब की खुद की समीक्षा कर रहा हूँ। कुलभूषण दीप। डायरी की एंट्री नंबर 1 यानी चैप्टर 1 भी कह सकते हैं इसे। यह तेरा जुकाम ठीक नहीं हुआ, अब तो बहुत टाइम हो गया। पापा जी के इस सवाल में जानने की चाह के साथ चिंता की एक झलक दिखाई पड़ी। जायज है उनकी चिंता, अब तो मेरे मन में भी यह चिंता बढ़ रही है कि आखिर ये कैसा जुकाम है जो बीते 8 महीने से ठीक नहीं हो रहा। जुकाम तो मुझे हर साल बदलते मौसम में होता है, मगर इस बार तो ठीक ही नहीं हो रहा। सारी पैथी तो आजमा के देख चुका, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी सब ट्राई कर ली। अगस्त का महीना वैसे तो बारिश वाला होता है, मगर पिछले कुछ दिनों से बादल तो आते हैं मगर बारिश नहीं होती। आसमान में बादल आते हैं, चिढ़ाकर चले जाते हैं। इससे वातावरण में नमी का स्तर बढ़ गया है। नमी वाली गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तेज़ गर्मी कितनी भी हो मज़े से सह लेता हूँ, मगर यह नमी वाली गर्मी की घुटन सही नहीं जाती। एक अजीब सा चिड़चिड़ापन मन पर हावी हो जाता है। आज तो एक नमी मन में भी है, बाहर और अंदर दोनों वाली नमी ने मिलकर सांसों का चलना भी मुश्किल कर दिया है। मुझे इतनी घुटन हुई कि मैं हाँफने लगा। पास बैठे मेरे भतीजे विराट ने मेरी इस स्थिति को भांप लिया और पूछा, क्या हुआ ताया जी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चलो किसी डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। 10 मिनट में ही हम पास एक ENT डॉक्टर के पास पहुंचे। कब से है प्रॉब्लम? नाक को टॉर्च से देखते हुए उन्होंने पूछा। जी लगभग 8 महीने से यह नाक से डिस्चार्ज चल रहा है। दवा खा ली तो कुछ दिन ठीक, थोड़े दिन बाद फिर से शुरू। 8 महीने तो बहुत टाइम होता है, आपको इसकी जांच करवानी चाहिए थी। खैर कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। चैप्टर 2। एंडोस्कोपी तो करनी पड़ेगी। जी ठीक है, कर लीजिए। डॉक्टर गुप्ता ने नाक में कुछ स्प्रे किया, लोकल एनेस्थीसिया ही होगा। कुछ मिनट के बाद एक पतली सी तार जिसके आगे टॉर्च थी बाई नासिका में डाली।
मेरी निगाह उनके चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने की कोशिश करती रही। इतना तो फील हो गया कि सब ठीक नहीं है। तार बाहर आई और नाक में कोई पैक लगा दिया और बोले, घंटे भर बाद इसे निकाल लेना। सर, कोई ग्रोथ तो है जिसको टच करते ही ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मेरे विचार से आपको इसका सीटी स्कैन करा लेना चाहिए कल ही, और शाम को रिपोर्ट दिखा देना। प्रिस्क्रिप्शन लेकर बाहर आया। विराट ने देखते ही पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, कल सीटी स्कैन करवाने को बोला है। सीटी स्कैन क्यों, कुछ सीरियस तो नहीं? पता नहीं, मुझे भी ज़्यादा समझ में नहीं आया। मनु, मेरा बेटा, उसे सीटी स्कैन के बारे में बताया तो उसने सुझाव दिया कि उसके एक दोस्त के पापा डॉक्टर हैं, उनसे लिखवा लो तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अगली सुबह मनु के दोस्त के पापा से लिखवा कर सीटी स्कैन करवा लिया। शाम को रिपोर्ट देखी तो थोड़ी बेचैनी बढ़ गई। सब ठीक नहीं है, मन ने मन में मन को कहा। मेरी इस फिक्र को शाम को डॉक्टर गुप्ता ने पक्का कर दिया, यह बोलकर कि आपको इसकी बायोप्सी करानी है। बायोप्सी क्लिनिक में तो नहीं हो सकती, इसके लिए तो आपको या तो फोर्टिस हॉस्पिटल या सिटीजन नर्सिंग होम में आना पड़ेगा। बायोप्सी की बात सुनते ही घर में टेंशन वाला माहौल बन गया। मम्मी पापा को तो हमने कुछ नहीं बताया, वरना उनको बहुत टेंशन होती। एक ओपिनियन और ले लो ना, मेरे भाई संजय ने सुझाव दिया और उसने डॉक्टर अमित से फ़ोन कर अगले दिन शाम का अपॉइंटमेंट ले लिया। सब अपने अपने कमरों में चले गए सोने के लिए। मैंने भी कोशिश की, सोने की नींद ही नहीं आई। चुपके से उठा, एक कप चाय बनाई और घूंट घूंट कर पीने लगा। इंसान को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो या तो रो लेता है या प्रार्थना करता है। मेरी आंखों के कोनों में आंसू की एक एक बूंद रुकी हुई है। मन अचानक ही प्रार्थना करने लगा है, लगता है कोई बड़ी और कड़ी परीक्षा आ रही है। हे ईश्वर, आपने सदा मुझे रास्ता दिखाया है। अगर यह परीक्षा बहुत मुश्किल वाली है तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि आपका साथ मुझसे नहीं छूटेगा। साथ तो मैं ही छोड़ता हूँ, आप तो कभी नहीं। आप जो इंट्यूशंस के जरिए संदेश देते हैं, उन्हें सुन सकूं, समझ पाऊं, यह साहस भी देना मुझे। दोस्त के करता कृष्ण, जो भी परीक्षा है मुझे वो साहस भी देना कि मैं इसे हंसते खेलते पार पा जाऊं। और मेरी आंखों के कोने में रुके आंसू फिसल कर मेरे होठों तक आ गए, मानो प्रार्थना पूरी हो गई हो। चैप्टर 3। डॉक्टर अमित ने सब रिपोर्ट देखी और बोले, इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, बायोप्सी भी साथ ही हो जाएगी। आज बुधवार है, शनिवार को सर्जरी कर लेंगे, तब तक आप ये सब टेस्ट करवा लो। सर्जरी की डेट के लिए मैं अपने कमरे में जब आया तो मन में ढेर सारे सवाल हैं। एक सवाल ये भी है कि मेरे इन सवालों के जवाब कौन देगा। मुझे अपने दोस्त डॉक्टर मखीजा की याद आई, वो भी तो ENT स्पेशलिस्ट हैं। व्हाट्सएप कर देता हूँ सारी रिपोर्ट्स। अभी कुछ और सोचता कि फ़ोन की घंटी बजी। महेश, ये तो चंडीगढ़ से है, मेरी मासी का बेटा, शायद संजय ने कुछ बताया होगा उसे। मेरा अंदाज़ा सही निकला। महेश ने बताया कि उसके एक खास दोस्त हैं डॉक्टर धीर, एक बार उनको भी दिखा लेते हैं। ये उनका नंबर भेज रहा हूँ, आप एक बार बात कर लीजिए। डॉक्टर धीर से बात हुई और ये निश्चित हुआ कि कल सुबह ही उनको दिखा लिया जाए। अगली सुबह संजय के साथ में मिला डॉक्टर धीर से। उन्होंने सब रिपोर्ट्स देखी और बोले, सर्जरी नहीं करानी है, अभी आप एक हफ्ता ये दवाई लीजिए, हफ्ते भर बाद देखते हैं। अब क्या करूं? अजीब सी उलझन है। एक ने सर्जरी की डेट फिक्स कर दी है, दूसरा कह रहा है कि सर्जरी संभव नहीं। किसकी बात मानूं, किस पर विश्वास करूं? इस प्रश्न का आकार बड़ा होने लगा तो अपने अंतर्मन से गुहार लगाई, मुझे कुछ दिशा दिखाओ। अंतर्मन ने डॉक्टर धीर पर उंगली टिका दी। मैंने अधिकतर अपने अंतर्मन की सुनी है, जब भी सुनी कभी भी निराश नहीं हुआ। जब जब अंतर्मन की नहीं सुनी हमेशा चोट ही खाई है। सब जानते समझते हुए भी कई बार ये गलती कर लेता हूँ। इस बार तो समस्या बहुत गंभीर है, निश्चिंत ही अंतर्मन की सुननी है मुझे। चैप्टर 4। आज सप्ताह के बाद फिर से डॉक्टर धीर को दिखाने चंडीगढ़ आए हैं।
इस बार मेरा भतीजा विराट मेरे साथ है, मुझे तो ड्राइविंग आती नहीं। डॉक्टर धीर ने देखा और एक सप्ताह और दवा खाने की कहकर फिर दिखाने को कहा। हम जब लौटने लगे तो जाने क्यों मेरा मन हुआ कि मुझे थोड़ा सा समय सुखना लेक पर बिताना है। मैंने विराट से बोला तो उसने बिना कुछ पूछे गाड़ी सुखना लेक की तरफ मोड़ दी। सुखना लेक से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। मैं जब चंडीगढ़ पढ़ता था तो अक्सर सुखना लेक आता, घंटों सीढ़ियों पर बैठकर पानी में पैर डुबोकर बैठा रहता, मुट्ठी में कंकड़ भर लेता और एक-एक कर पानी में फेंकता, दायरे बनते बनते होते जाते और झील की लहरों में खो जाते। पूर्णमासी की रात को जब चांद पहाड़ियों के पीछे से निकलता, चांद की चांदनी झील के पानी में पड़ती तो लगता कोई चांदी की नदी हो। खान भाई से अक्सर मेरी मुलाकात हो जाती, उनकी बांसुरी सुनकर मन आनंद से भर जाता। खान भाई के पास मेरे हर सवाल का एक ही जवाब होता, वो ख्याली है ख्यालात समझने वाला, तुझसे बेहतर तेरे हालात समझने वाला। शुरू शुरू में तो मुझे ये जवाब बड़ा अजीब सा लगता, फिर धीरे धीरे इसकी समझ आ गई मुझे। मैंने अपने जीवन के ढेर सारे निर्णय सुखना लेक के कदमों में बैठकर लिए हैं, तो क्या अब भी मैं कोई निर्णय लेने वाला हूँ? ताया जी, मेरा फोन। अचानक विराट की घबराई आवाज ने सोच बिखेर दी। विराट शायद कोई वीडियो बना रहा होगा कि उसके हाथ से फोन छूट गया। गनीमत है कि पहली ही सीढ़ी पर गिरा, पानी में तो भीग गया मगर फोन बच गया। अब सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विराट के फोन पर चला गया। कैसा होता है ना कि एक छोटी सी घटना कहाँ से कहाँ पहुंचा देती है। विराट पानी में भीगे फोन को सुखाने के उपाय ढूंढने लगा और मेरा फोकस भी अब उसी तरफ मुड़ गया। चैप्टर 5। संजय ने डॉक्टर अमित को फोन करके बता दिया कि भैया अभी चंडीगढ़ में हैं और 15 दिन बाद ही लौटेंगे। उधर से भी जवाब आया कि मैं भी US जा रहा हूँ, 2 महीने बाद ही लौटूंगा। डॉक्टर गुप्ता के असिस्टेंट का भी फोन आया तो मैंने आधा सच आधा झूठ बोला कि मैं PGI चंडीगढ़ में ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। घर पर तो मम्मी पापा से रोजाना कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, जीवन में हमेशा सच बोलने से तो काम नहीं चलता। फिर मेरा यह झूठ बोलना कोई गुनाह भी नहीं। आज तीसरी बार चंडीगढ़ जब डॉक्टर धीर को दिखाया तो वो चुपचाप मुझे माइनर OT में ले गए और बायोप्सी कर दी, सैंपल जांच को भिजवा दिया, नेजल पैक लगा दिए और बोले रिपोर्ट 3 दिन बाद आएगी। 3 दिन चंडीगढ़ रुक कर भी क्या करता, तो दिल्ली वापस लौट आए। घर में अजीब सा माहौल है, मम्मी पापा पूछते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है। मनु कहता नहीं ज़्यादा कुछ, मगर सोचता तो होगा कि पहले मम्मी को कैंसर निगल गया। अब सुनीता मेरी बहन डॉक्टर है, उसे सब पता है, मगर वह किसी से कुछ बताने वाली नहीं, खास तौर पर मम्मी पापा को तो बिल्कुल नहीं। श्रीमती जी के कैंसर से मौत ने घर के लोगों में यह धारणा बना दी है कि कैंसर मतलब मौत। 3 दिन बीत चुके, आज मुझे रिपोर्ट लेने चंडीगढ़ जाना है। संजय को साथ लेकर मैं निकला चंडीगढ़ जाने। हम अंबाला तक पहुंचे तो महेश का फोन आया कि रिपोर्ट आ गई है। रात भर करवटें बदलता रहा, नींद की गोली भी नींद नहीं ला सकी। चुपके से उठा, बाहर आकर लॉन में बैठ गया और कॉलेज के दिनों की यादें खोलकर बैठ गया। अक्सर इसी लॉन में आ बैठता और योजनाएं बनाता, तब हम लोग भी इसी घर में रहा करते थे। सुबह ने आंखें खोली, एक धूप की लहर लहराई और मन का द्वार खटखटाने लगी। जल्दी से तैयार हुआ, नाश्ता किया और हम तीनों रिपोर्ट लेने पहुंच गए। रिपोर्ट का लिफाफा मुझे पकड़ाते हुए डॉक्टर धीर ने बोला, आपकी रिपोर्ट तो फ्रेंडली नहीं है, कैंसर है नेजोफेरिंक्स में और इसका इलाज तो आपको दिल्ली में ही करवाना होगा। मैंने एक रेफरेंस लेटर लिख दिया है डॉक्टर देवेंद्र के नाम, आप सबसे पहले उन्हें दिखाना, वो जैसा कहें वही करना। कीप इन टच विद मी। मन में विचार आया कि पूछूं इसका प्रोग्नोसिस यानी रोग का पूर्वानुमान क्या है, मगर अंतर्मन ने पूछने से रोक लिया। एक प्रश्न का उत्तर मिला जिसने ढेर सारे सवाल खड़े कर दिए। चैप्टर 6। अब तो डायग्नोज हो चुका है, आगे क्या, कहाँ, कैसे होना है, अब इन सब के उत्तर मुझे खुद ढूंढने हैं। असल में मैं फार्मासिस्ट हूँ, 35 साल से दवा का काम,
इस पर मेरा रक्तदान का 35 वर्ष का अनुभव। मैंने खुद 145 बार रक्तदान किया, हजारों लोगों को मोटिवेट किया। 2000 में जब श्रीमती जी का निधन हुआ, कई सारे कैंसर डॉक्टर्स के संपर्क में आया। कैंसर के रोगियों के प्रति मेरे मन में एक विशेष जगह रही। मुझे नहीं पता था कि मैं भी इसी लाइन में खड़ा होने वाला हूँ। मुझे पता है कि जब भी किसी को कैंसर डायग्नोस होता है तो उसके मन में सबसे पहला रिएक्शन होता है कि मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म। मगर मेरे मन में कुछ और चल रहा है, वो ये कि अब मेरी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदलने वाली है, तो मुझे कैसे इस बदलाव में खुद को बनाए रखना है। चंडीगढ़ से दिल्ली आते आते तक मैं सोचता ही रहा। बीच बीच में तो मुझे यह ही नहीं पता रहता कि मैं सोच क्या रहा हूँ। कितनी कोशिश की बचने की कि मन में नेगेटिव विचार ना आए, मगर सफल नहीं हो सका। श्रीमती जी वाला पूरा का पूरा एपिसोड आंखों के सामने से गुजर गया। उसकी 3 साल की कैंसर यात्रा के अंतिम 6 महीने, उसकी पीड़ा, दर्द, तकलीफें सब मन को झिंझोड़ गई। अरे, सभी कैंसर एक से थोड़े ही होते हैं, अंतर्मन बोल पड़ा। शायद यही कारण होगा कि मेरे मन में प्रोग्नोसिस का ही पहला प्रश्न आया। सोचा गूगल करके नेट पर पढ़ता हूँ, मगर अंतर्मन ने टोक दिया, कोई ज़रूरत नहीं, अपना ध्यान फोकस करो कि कल ही तुम्हें डॉक्टर देवेंद्र से मिलना है। असल में सच यही है कि मैं जब जब अंतर्मन की सुनता हूँ तो सही रास्ता चुनता हूँ, जब भी अंतर्मन की नहीं सुनता तो चोट खाता हूँ। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे अपने साथ समय बिताना है, खुद में उत्साह भरना है और अपना साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इस समय में मुझे अपना पूरा ध्यान अपनी बीमारी के इलाज पर ही लगाना है। कैसे होना है, किससे इलाज करवाना है, सब फैसले तो मुझे खुद ही करने हैं, तो पूरा ध्यान भी तो इसी में ही लगाना होगा। सुनूंगा तो सबकी, मगर जो अंदर से आवाज़ आएगी करूंगा उसी हिसाब से। ऐसे मुश्किल वक्त में मुझे निराश नहीं होना है। अचानक से नाना जी की कही बात याद आ गई, जो मुश्किलें देता है वो मुश्किल कुशा भी है। चैप्टर 7। सुबह सवेरे ही नींद खुल गई। सच तो ये है कि नींद रात भर आई ही नहीं। शाम 5 बजे की अपॉइंटमेंट मिली डॉक्टर देवेंद्र की। उनके असिस्टेंट से झूठ बोला कि चंडीगढ़ से आया हूँ। कब 4 बजेंगे, दिन भर बस यही इंतज़ार रहा। मन कहीं लग ही नहीं रहा, उसे तो बस अभी 4 बजे चाहिए। अरे, समय को चलाना मेरे बस में थोड़ी ही है, 4 तो 4 बजे ही बजेंगे। 4 बजे मैं, विराट, मेरा भांजा विवेक, हम तीनों निकल पड़े। ट्रैफिक जाम मिला तो 5 बजे पहुंच ही गए, मगर ये क्या, डॉक्टर साहब तो कोई मीटिंग में बिजी हैं। 5 के 5:30 होते ही मेरा धैर्य जवाब दे गया। मैंने उनके असिस्टेंट से मैसेज भिजवाया कि मुझे वापस चंडीगढ़ भी जाना है। डॉक्टर देवेंद्र ने सब रिपोर्ट्स देखी तो बोले कि इसमें सर्जरी तो नहीं हो सकती, इसका इलाज तो रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी से ही होगा। देख लीजिए, जो भी आपको सूटेबल हॉस्पिटल लगे वहाँ ट्रीटमेंट करा लीजिए। रेडिएशन कीमो से अच्छे से परिचित हों, श्रीमती जी की भी हुई थी। कीमो का ध्यान आते ही डॉक्टर अशोक वैद्य की याद आई, श्रीमती जी का ट्रीटमेंट भी तो उन्हीं से करवाया 4 साल पहले तक। तो जब तक ब्लड डोनेशन में मैं एक्टिव था तो सबके कांटेक्ट में था। अब 4 साल बाद पता नहीं क्या रिस्पांस मिलेगा, कोई नहीं, बात करके देखता हूँ। तुम्हारा PR, पब्लिक रिलेशन बहुत ख़राब है, मन से अचानक कोई बोला शिकायती लहजे में। चलो फ़ोन तो करके देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा। और वही हुआ भी, डॉक्टर वैद्य ने फ़ोन ही नहीं उठाया। मन निराश हो गया और सोचने लगा कि जब तक मैं किसी के काम आता रहा सब मुझे अधिकार से अपना कहते थे, और आज, अरे कुछ नहीं हुआ, हो सकता है राउंड पर हूँ, हो सकता है पेशेंट देख रही हूँ, अंतर्मन की आवाज़ आई। 10 मिनट बाद डॉक्टर वैद्य का फ़ोन आया और बोले, सॉरी मैं मीटिंग में था, फ़ोन साइलेंट था, कैसे याद किया, सब ठीक है ना।
तब मैंने अपनी कहानी सुनाई तो बोले, ठीक है, आप कल 11 बजे आ जाओ, पहले डॉक्टर कटारिया को दिखा लेना, मेनली तो आप रेडिएशन के ही पेशेंट हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। चैप्टर 8। रात आधी से ज़्यादा बीत चुकी है, नींद का कोई अता पता नहीं है। जानता हूँ नींद की गोली भी बेकार ही जाएगी, ऐसे में मेरा एक ही सहारा है, चाय। चाय बनाई, पहला घूंट भरते ही दिल और दिमाग के दरवाजे खुल गए। देखा, दिल और दिमाग दोनों अपनी अपनी चला रहे हैं। मुझे ये देखकर गुस्सा आया तो मैंने डांटा दोनों को, क्या है, क्यों बिगड़े बच्चों की तरह उलझ रहे हो तुम दोनों, शर्म करो, मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए, समझे ना। मेरी डांट से दोनों सहम कर शांत हो गए। मैंने सोचा कि मुझे इस समय में कुछ विशेष लोगों की ज़रूरत है, सबकी नहीं, वो लोग जो मुझे सपोर्ट कर सकते हों, फाइनेंशियली सपोर्ट, मेडिक्लेम, और उसके लिए डॉक्टर प्रदीप गुप्ता, उनकी कंपनी ही TPA है मेरी। इमोशनल सपोर्ट, मनु, विराट, विवेक, संजय, सुनीता, श्वेता। मेंटल सपोर्ट, इसके लिए तो मुझे खुद को अलर्ट रखना पड़ेगा। मेडिकल सपोर्ट, यह उत्तर आना अभी बाकी है, देखता हूँ कल डॉक्टर वैद्य और डॉक्टर कटारिया क्या बोलते हैं, उसके बाद ही कुछ साफ होगा। काश ये लोग अभी भी राजीव गांधी अस्पताल में होते तो कितना सरल हो जाता मेरे लिए। तुम अपनी सरलता मत देखो, बस शुक्र मनाओ कि लोग अभी भी तुम्हें याद रखे हैं। अरे अब बस भी कर सोचने की, कुछ आराम कर ले, सुबह 8:30 तक हर हालत में घर से निकलना होगा, तभी समय पर पहुंच पाओगे। अरे सुबह तो हो ही चुकी है, 7 बज गए, अब क्या रेस्ट होगा, उठकर नहा धोकर तैयार हो जाऊं। गुड़गांव जाना कौन सा आसान काम है, 2 घंटे तो लग ही जाएंगे, फिर नई जगह, डॉक्टर को ढूंढना, उन तक पहुंचना। मन को तो सब आसान चाहिए होता है, मगर ऐसे थोड़ी होता है कि सब मन मुताबिक हो। ये तो गनीमत है कि डॉक्टर वैद्य और डॉक्टर कटारिया दोनों से अच्छा संबंध रहा है, वरना तो डॉक्टर ढूंढना ही अपने आप में मुश्किल काम है। चैप्टर 9। कोई मेडिसिन चल रही है आपकी, डॉक्टर कटारिया ने चेकअप करने के बाद पूछा। जी, एल्फ्रिक्स टोटल, आप 5 दिन ये एंटीबायोटिक्स भी खा लीजिए। डॉक्टर वैद्य से मिल लिए क्या? जी नहीं, पहले आपके पास ही आने को कहा उन्होंने। कोई बात नहीं, आपने कल जो रिपोर्ट्स मेल की थी वो सब देखकर डिस्कस कर लिया मैंने डॉक्टर वैद्य से। आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल रहेगा 35 रेडिएशन और 6-7 कीमो, कीमो सप्ताह में 1 बार, रेडिएशन हफ्ते में 5 बार। डोंट वरी, आप तो सच में एक मिसाल हो, 100 बार से ज़्यादा रक्तदान करने वाले का मन कितना मजबूत होगा। एनीवेज, आपको पेट स्कैन करवाना है, ग्राउंड फ्लोर पर उनका डिपार्टमेंट है, आप जाकर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। और कोई इंश्योरेंस पॉलिसी भी है क्या? हाँ जी है ना, तो मेडिक्लेम वाला ऑफिस भी ग्राउंड फ्लोर पर ही है। जी ठीक है, कहकर मैंने अपनी फाइल उठाई और विवेक के साथ बाहर आ गया। सामने लिफ्ट है मगर 60-70 लोगों की लाइन लगी है। मैंने चुपचाप विवेक का हाथ पकड़ा और सीढ़ियां उतरने लगा। उतरते हुए मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे, इन्हीं ख्यालों में डूबे होने के कारण पता नहीं चला कब इतनी सारी सीढ़ियां उतर गया। ग्राउंड फ्लोर पर पेट स्कैन के डिपार्टमेंट गया तो उसने बोला, आपको 5,000 रुपये एडवांस जमा करवाना होगा, तभी हम टेस्ट की बुकिंग कर सकते हैं। इतने पैसे तो उस समय थे भी नहीं मेरे पास, विवेक ने बोला कि कार्ड है मेरे पास, मगर पता नहीं मन ने नकार दिया। क्या हुआ मामा जी, विवेक ने पूछा, यहाँ पर ट्रीटमेंट तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों? समझो विवेक, यहाँ पहुँचने में हमें आज लगे 2.5 घंटे, 2 लगेंगे वापस जाने में, रेडिएशन होगी 5 दिन, मतलब लगभग रोज ही आना है, इतना ट्रैवल करना संभव ही नहीं, ईश्वर ना करे रात बेरात कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई तो। हाँ ये तो प्रैक्टिकल साइड है इस बात की, तो फिर क्या करेंगे? चल वो सामने चाय की दुकान है, चाय पीते हैं और कुछ सोचते हैं। चैप्टर 10। चाय का घूंट भरते ही सोच भी जाग गई। डॉक्टर प्रदीप, मेडिक्लेम वाले, ये तो लगभग सभी हॉस्पिटल में जाते हैं, इनको पूछता हूँ।
फोन मिलाया तो सब बता दिया और 2 मिनट में उन्होंने जवाब दे दिया कि BLK हॉस्पिटल चले जाओ और डॉक्टर चोपड़ा का रेफरेंस दिया। बोले मैं फ़ोन कर देता हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, डॉक्टर प्रदीप खुद ही बोल पड़े, निश्चिंत होकर ट्रीटमेंट कराओ, मेडिक्लेम मैं देख लूँगा। एक लंबी गहरी सांस ली, बहुत राहत महसूस हुई। 3 बजे हम BLK पहुँच गए और डॉक्टर चोपड़ा से मिले। सब फाइल वगैरह देखने के बाद वह बोले कि आप मेनली तो रेडिएशन के पेशेंट हो, उनके टच में तो आपको पूरी लाइफ रहना पड़ेगा। सर इसका प्रोग्नोसिस कैसा है वो पेट स्कैन के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्टेजिंग है। आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में चले जाइए, बेसमेंट में है। मेन डॉक्टर शिखा और डॉक्टर हक्कू हैं, आप जिसे दिखाना चाहें दिखा लीजिए, दोनों बहुत सीनियर हैं। हाँ कल पेट स्कैन के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और शाम 4 बजे तक वेट करना, तब तक रिपोर्ट आ जाएगी और फिर सब फाइनल कर लेंगे। फाइल उठाई, संजय और मनु को बताया तो दोनों ने BLK ओके कर दिया और एक और निर्णय ले लिया, डॉक्टर शिखा को दिखाना। अंतर्मन की आवाज़ सुनाई दी और चंद ही मिनटों में हम डॉक्टर शिखा के सामने। डॉक्टर शिखा ने फाइल देखी और वही वाला ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया जो डॉक्टर कटारिया ने सुबह बताया था। मेडिक्लेम का पूछा तो मैंने हाँ कर दी। कौन सा ट्रीटमेंट प्रेफर करेंगे आप? मैं समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रही हैं? इसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट मशीन से होता है, RGRT और IMRT। मुझे तो कोई जानकारी नहीं इसकी, मैंने कहा। ठीक है, हम IGRT से करेंगे। आप पेट स्कैन करवा कर जब आएंगे कल तो हम आपका एक मास्क बनाएंगे, बाकी सब आपको डॉक्टर पवन बता देंगे। पेट स्कैन के लिए विवेक के कार्ड से पैसे जमा करवाए तो मालूम हुआ कि ये एडवांस होता है उस दवा के लिए जो न्यूक्लियर मेडिसिन होती है, और अगर आप किसी कारणवश टेस्ट नहीं करवाते तो ये पैसा रिफंड नहीं होता। कोई टेस्ट के लिए बोला तो मैंने रिपोर्ट्स दिखाई जो अभी 3 दिन पहले ही करवाए होंगे। रिपोर्ट्स देखकर ओके कर दिया और सुबह 8 बजे आने को बोला। रात में 8 के बाद कुछ नहीं खाना है। चैप्टर 11। सुबह 8 बजे पेट स्कैन के लिए पहुंच गया तो मालूम पड़ा कि मेरे से पहले ही 2 लोग और हैं। मेरा पहला ही नंबर होगा, मेरे मन का ये अंदाजा गलत निकला। अब क्या हो सकता है? चेंज रूम में जाकर चेंज किया। सिस्टर ने कैनुला लगाया और उसमें इंजेक्शन से दवा डाली गई और सामने के कैबिन में जाकर बैठने को बोला। 5 मिनट बाद कोई आया, एक जग पानी का और ग्लास थमा गया इस निर्देश के साथ कि 45 मिनट में इसे थोड़ा थोड़ा पीकर खत्म करना है। ये सब बिल्कुल नया है, मुझे लगा था कि इतनी जल्दी बुलाया है तो मेरा पहला नंबर होगा। मन में सोचा कि इनको बताना चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है। जैसे तैसे समय बीता, उधेड़ बुन मन में चलती रही। ऐसे माहौल में तो नेगेटिव बातें ही दिमाग में आती हैं। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कि ऐसा ना हो, मगर नाकाम रहा। इन्हीं नेगेटिव विचारों से लड़ते लड़ते मेरा भी नंबर आ ही गया। 30-35 मिनट लगे होंगे उस मशीन पर और इन मिनटों को बिताना बहुत मुश्किल सा लगा। आखिर क्यों, मैंने खुद से पूछा तो उत्तर आया कि जो हो रहा है उसका अंदाज़ा ना होने की वजह से तुम परेशान हो रहे हो। टेस्ट पूरा हुआ तो एक रूम में जाकर बैठने को बोला। इतनी बुरे तरीके से बोला कि मन को चुभ गया और पलट कर मैंने उसे जवाब दे दिया कि यही बात तो तुम आराम से भी बोल सकते थे। शायद उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। 15 मिनट बाद कैनुला निकाल दिया और जाने को कहा। मेरे मन में एक सवाल उठा कि ये लोग पेट स्कैन का 10,000 रुपये लेते हैं, पेशेंट को 1 कप चाय और 4 बिस्किट ही दे दें तो क्या हो जाएगा। यही सुझाव मैंने इंचार्ज को बोला तो टाल मटोल करते उसने बोला कि आप ये सुझाव लिखकर सजेशन बॉक्स में डाल दो, और मैंने लिखकर डाल भी दिया। बाहर आया तो देखा 11 बजने वाले हैं, विवेक आया हुआ मेरे साथ, तो उसे लेकर कैंटीन चला गया कि कुछ नाश्ता ही कर लिया जाए। मगर जो अच्छी बात हुई और समझ में आए कि कुछ भी कराने से पहले उसकी मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। आजकल तो गूगल से सब जानकारी मिल ही जाती है, इतनी जानकारी के बाद डॉक्टर से सवाल पूछने चाहिए। हो सके तो सवालों की लिस्ट बना लेनी चाहिए ताकि पूरी जानकारी मिल सके। चैप्टर 12।
डॉक्टर चोपड़ा ने 4 बजे आने को बोला था, मगर हम 3:30 बजे अस्पताल पहुंच गए। जाने मन में क्या आई कि सीधे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी चला गया। मुझे देखते ही डॉक्टर पवन ने अपने रूम में बुला लिया और बोले, मैं ले आया आपकी रिपोर्ट। ये सुनते ही मेरे मन में थोड़ी एंजाइटी हुई, मगर उसे छिपाते हुए पूछा, सर कहीं इधर उधर तो नहीं फैल गया ना? अरे नहीं, लोकलाइज ही है, मतलब एक ही जगह पर है। स्टेजिंग की होगी आपने? हाँ, T2NOMO है। मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया और मन में हाथ जोड़ दिए। आपका मास्क बन चुका है, पेट स्कैन की रिपोर्ट आ गई है, अब हमें 2 दिन लगेंगे आपकी ट्रीटमेंट प्लान बनाने में। परसों शनिवार को आपका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। आप सुबह 10 बजे OPD से पहले डॉक्टर शिखा को दिखा लेना, और ये आपका कार्ड है जो रोज़ाना आपको साथ लेकर आना है। आकर इसे सामने वाले रूम में दे देना, जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको बुला लेंगे। इसके बाद रेडिएशन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, हो सकते हैं, और उनके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद हम लोग डॉक्टर चोपड़ा से मिले तो उन्होंने भी यही कहा, शनिवार से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, मंगलवार को पहली कीमो करेंगे, तो आप शनिवार को टेस्ट करवा लेना, सोमवार को रिपोर्ट दिखाकर मेडिक्लेम वाली फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेना। विवेक को मेरठ लौटना है तो वहीं से बस अड्डे को चला गया और मैं ऑटो से दुकान आ गया। दवाई की दुकान है, 1980 से इस काम में हूँ। बिल्कुल अगली दुकान में डॉक्टर नारंग का क्लिनिक है, उन्होंने मुझे देखा तो बुला लिया, सब जानकारी ली और आशीर्वाद के रूप में ऑल द बेस्ट कहकर मुस्कान से भर दिया। चैप्टर 13। घर में एक उत्साह का माहौल है। दरअसल मेरी बहन सरोज, जो ऊपर वाले फ्लैट में रहती है, उसकी बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई है, 2 दिसंबर। असल में मेरे लिए ये एक चुनौती का विषय भी है। मैं जानता हूँ कि मैं कोई उसका सहयोग नहीं कर पाऊँगा। 2 दिन बाद इलाज शुरू होगा तो जाने क्या क्या और कैसी कैसी चीज़ों से दो चार होना पड़ेगा। मन ही मन हिसाब लगाया कि नवंबर के 3रे हफ्ते तक इलाज तो पूरा हो जाएगा, शरीर और मन की क्या हालत होगी ये तो वक्त ही बताएगा। अब तो घर के लोगों से अपनी बीमारी को छिपाकर ही रखना होगा। जानता हूँ लोग जाने अनजाने नेगेटिव विचार ही देकर जाते हैं। अभी 2 दिन हैं मेरे पास, इन 2 दिनों को दुकान पर ही बिताना चाहता हूँ। मेरी दुकान ही मेरी कर्म भूमि है, यहीं पर बैठकर जीवन के सब निर्णय लिए हैं मैंने। इस समय तो मेरी खुद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है मेरे लिए। तो मिल बैठेंगे 3 यार, दुकान, चाय और मैं। अच्छे से 2 दिन दुकान पर बिताए, मन में विचार तो आए बीमारी के बारे में, मगर उन्हें अलग दिशा दिखाए कि सब ठीक होने वाला है। देखो ना, मेरी किस्मत अच्छी है कि कैंसर पहली स्टेज में ही पता चल गया और अच्छे से इलाज हो जाएगा। मन को समझाना ही होता है, मन समझ भी जाता है, बस इसे समझाने की कला आनी चाहिए। मेरे जीवन के अनुभव अब मेरे काम आ रहे हैं, अनगिनत लोगों से मेरी बातचीत, हजारों लोगों को मोटिवेट कर पाने वाली कला आज मेरे ही काम आ रही है। प्रेरणा जो खुद के अंदर से आती है, असल में वही टिकाऊ प्रेरणा होती है, मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है। चैप्टर 14। आज रेडिएशन का पहला दिन है, शनिवार होने के कारण पेशेंट कम है, अधिकतर सोमवार से शुक्रवार तक रेडिएशन को लोग आते हैं। 10 बजे डॉक्टर शिखा ने देखकर ओके कर दिया और सामने रूम में कार्ड रख कर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। अंकल जी, आपकी आज पहली रेडिएशन है, अब सोमवार को आप किस समय आएंगे? क्या मतलब, समझा नहीं मैं। अंकल, यहाँ रेडिएशन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक होती है, जो टाइम आपको सूट करता हो बता दीजिए, फिर देख लेंगे कि वह टाइम स्लॉट है कि नहीं, थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे। ओह अच्छा, समझा समझा, आप हिमाचल से हो क्या? हाँ जी, आपको कैसे पता? उसने चौंक कर पूछा। आपके बोलने के अंदाज से आइडिया लगा, बस इस छोटी सी बात ने हमारे परिचय को दोस्ती में बदल दिया। मेरी बारी आ चुकी। रेडिएशन मशीन पर लेटते ही एक अजीब सी हलचल हुई मन में। शरीर तो शांत स्थिर है, मन बेकाबू है। मन में क्या हो रहा है समझ नहीं पा रहा, बस इतना पता है कि कुछ हो रहा है। 10 मिनट बाद मशीन से उठाया गया तो कार्ड लेने के लिए रूम में गया तो मेरा नया दोस्त इंतज़ार कर रहा था। मैंने मनु से फ़ोन करके पूछा,
तो उसने बोला, सुबह वाला टाइम ले लो। राकेश मेरे नए दोस्त का नाम है। उसे टाइम बताया तो उसने ओके कर दिया। फिर हमारी थोड़ी सी और बात हुई। उसने बताया कि उसने ये कोर्स पीजीआई चंडीगढ़ से किया है। मैंने भी अपने ब्लड डोनेशन और पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में बताया तो हमारी दोस्ती और मजबूत हो गई। मुझे लगा कि जैसे भगवान ने राकेश को मेरे लिए पहले से ही चुन कर रखा होगा। आपका बिजनेस है यहाँ पर? हाँ जी, दवाई का, रिटेल या होलसेल? रिटेल का। आपके पास कैंसर वाली मेडिसिन भी होती है क्या? नहीं, होती तो नहीं, हाँ अरेंज करा सकता हूँ। मेरे गांव से कोई है जिन्हें जेफ्टिनिब टैबलेट चाहिए होती है हर महीने? देखना, अगर आप अरेंज करा दें तो उसकी हेल्प हो जाएगी और कुछ सस्ती भी मिल जाएगी। डोंट वरी, सोमवार को आऊँगा ना तो बता दूँगा। अच्छा अंकल जी, आपको अपना बहुत सारा ध्यान रखना है। चैप्टर 15। रेडिएशन करवाकर सीधा दुकान पर आ गया कि मनु के साथ बैठकर आगे कैसे करना है इसका फैसला कर लिया जाए। तो अंत में नतीजा ये निकला कि सुबह मुझे मनु ले जाएगा रेडिएशन के लिए और लौटकर सुबह दुकान में चला जाऊंगा, शाम को जल्दी लौट आऊंगा। कीमो वाले दिन तो पूरा दिन अस्पताल में लगने वाला है। उसके अगले दिन भी शरीर इजाज़त देगा तो दुकान जाऊंगा, वरना नहीं। कुछ टेस्ट कराने हैं आज, पास ही लैब है। दुकान पर आकर सैंपल ले गया और शाम में रिपोर्ट भी दे गया। सोचा दुकान से निकलकर थोड़ी देर सामने पार्क में जाकर बैठता हूँ। एक कोना ढूंढा और मन को शांत करने लगा। अतीत की यादें, ब्लड डोनेशन वाले दिन, अनगिनत लोगों की यादें, कुछ अच्छी बातें, कुछ उपलब्धियाँ, प्रोत्साहन, कुछ पुरस्कार जो जीवन में मिले, सारा इतिहास आंखों के सामने से गुजर गया। सुनीता का फोन नहीं आता तो शायद ये सिलसिला चलता रहता। ऐसे तो विवेक इन दिनों मेरे साथ रहा है, वह सब बताता ही रहा होगा, मगर बहन तो बहन ही होती है। उस पर भी वह जो अच्छे से मुझे और मेरे भावों को समझती है। तो निश्चित ये हुआ कि रेडिएशन कराने मनु जाएगा और कीमो के दिन विवेक सीधे सुबह बीएल के हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। विराट को जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन रेडिएशन को वह ले जाएगा। सोमवार को दूसरी रेडिएशन हुई। उस दिन सब फॉर्म भी भरने थे। राकेश ने जल्दी जल्दी सब निपटवा दिए। राकेश को जब मैंने जेफ्टिनिब टेबलेट का रेट बताया तो खुशी से उछल पड़ा। अंकल जी, ये तो बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी, थैंक यू बहुत बहुत। अरे इसमें क्या है, हम सब एक दूसरे की कुछ हेल्प सपोर्ट कर सकें तो बहुत अच्छा है ना। राकेश ने दोनों हाथ जोड़ दिए। दुकान आया तो मन ही मन आने वाले कल की कीमो के लिए खुद को तैयार करने लगा। शाम को थोड़ा जल्दी निकला दुकान से। चैप्टर 16। घर लौटने को ऑटो से वापस चल दिया। दिन का सफर पूरा होने को ही है। दिन थक कर सुस्ताने लगा है। अचानक मैंने घर से कुछ दूर पहले ही ऑटो रुकवा दिया और सामने पार्क में चला गया। इस पार्क का नाम है रामबाग। रामबाग में एक पेड़ है जिससे मेरी दोस्ती है और ये दोस्ती है 20 साल पुरानी। बहुत साल तक मैं सुबह इस पार्क में सैर को आया करता। ऐसे ही एक दिन अचानक मेरी नज़र इस पेड़ पर पड़ी तो मुझे लगा कि मुझे बुला रहा है। जैसे ही करीब गया तो लगा कुछ बोल रहा है। अचानक मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया तो उसकी सख्त खाल की दरारों से मुझे कुछ अजीब सी रेशमी तरंगे अनुभव हुई। मैंने पेड़ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोस्त का नाम भी रख दिया, हसमुख। इसके बाद मेरा नियम बन गया रोज सुबह सैर शुरू करने से पहले हसमुख को गले लगाना, बातें करना और ढेर सारी ऑक्सीजन लेकर सैर करके वापस आते हुए भी उसे मिलकर आना। कुछ वर्षों बाद सैर छूटी, हसमुख से मिलना बहुत कम हो गया। आज जाने क्यों मन हुआ कि मुझे हसमुख से मिलना ही है। यही सोचकर मैं जैसे ही पार्क में घुसा मेरी नज़र सीधे हसमुख पर पड़ी। लगा हसमुख ने आवाज़ लगाई मुझे और तेज तेज कदम भरता मैं उसके पास पहुंचा तो बाहों में कसकर भर लिया। जैसे ही मैंने उसे चूमा तो पास से गुजरते हुए लोग मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा होगा कि कोई पागल है। हसमुख ने एक ऑक्सीजन से भरा हुआ झोंका दिया मुझे और पूछा, कैसे हो दोस्त?
मैंने भी अपनी पूरी व्यथा कथा सुना डाली, जैसे कोई बहुत निकटतम मित्र से साझा करते हैं। मुझे लगा मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा है और बोला कि चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कहकर मैंने हंसमुख की दरारों में उंगलियां घुमाई और विदा बोलकर घर की तरफ चल दिया। शाम ढल चुकी है, घर पहुंचा तो मम्मी पापा जी इंतजार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ, और झूठे जवाब से उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक है और अपने कमरे में आ गया। चैप्टर 17। 30 सितंबर 2014 दिन मंगलवार। मंगलवार शुभ दिन माना जाता है। आज पहली कीमो का दिन है। मनु सुबह 7:30 हॉस्पिटल छोड़ गया, तब तक विवेक भी पहुंच गया। एडमिशन 8 बजे से शुरू होता है, टोकन लेकर इंतजार करने लगे। मन को अच्छे से तैयार कर रहा हूं कीमो के लिए। जानता हूं सिम्प्लेटिन दवाई लगनी है। असल में 1997 से 2000 तक के 3 वर्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। श्रीमती जी के इलाज के दौरान कैंसर के बारे में मुझे बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला। रक्तदान से जुड़े होने के कारण बहुत सारे कैंसर स्पेशलिस्ट के संपर्क में आया। रक्त प्लेटलेट्स जुटाने का मेरा प्रयास रहता। मेरे संपर्क में विशेष तो डॉक्टर अशोक वैद्य, डॉक्टर कटारिया, डॉक्टर चतुर्वेदी ही थे, मगर परिचय बहुत डॉक्टर से हुआ। मामा जी जहाँ जहाँ टिक लगे हैं साइन कर दीजिए। विवेक ने फॉर्म जमा करवाया और फाइल लेकर हम चल दिए 7वें फ्लोर पर। रूम में 2 पेशेंट की व्यवस्था है। खिड़की के पास वाली साइड पर मेरा बेड है। अपना सामान रख कर मैं खिड़की के पास आ खड़ा हो गया। 7वें फ्लोर की ऊंचाई से दूर दूर तक फैली दिल्ली को देखने लगा। मामा जी अभी तो कीमो शुरू होने में टाइम है, मैं कैंटीन से ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? अरे नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ, तुम जाओ और आराम से आ जाना। कुछ देर में सिस्टर आई और कैनुला लगाकर चली गई, साथ ही ड्रिप भी लगा गई। विवेक आ चुका है, साथ ही आई चाय और बिस्किट। डॉक्टर शिखा राउंड पर आई, फाइल देखकर चली गई। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी डाइटिशियन हूँ, आपका डाइट चार्ट दोपहर तक भिजवा दूंगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर होगा इस चार्ट पर, आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू स्पीडी रिकवरी। ड्रिप चल रहे हैं, जब भी खत्म होता है विवेक सिस्टर को बुला लेता है, सिस्टर अगला पैक लगाकर चली जाती है। शाम 5 बजे तक कीमो चली, अब रेडिएशन के लिए बेसमेंट में जाना है। एक अटेंडेंट व्हीलचेयर से वहां तक छोड़ आया और 20 मिनट बाद रेडिएशन कराकर 7वें फ्लोर ले आया। जब तक मेडिक्लेम क्लियर होकर नहीं आएगी तब तक डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। डॉक्टर प्रदीप को फ़ोन किया और रिक्वेस्ट की क्लेम जल्दी क्लियर करा दो। 15 मिनट में सब हो गया और हम लौट चले ऑटो से घर की ओर। चैप्टर 18। आज तो बहुत देर कर दी, मम्मी ने घर में घुसते ही सवाल किया। आज कोई इंजेक्शन लगाने थे, उसकी वजह से शाम तक रहना पड़ा। ये इंजेक्शन हर हफ्ते ही लगना है, कोई साइड इफेक्ट ना हो इसीलिए रोक कर रखते हैं, ये कहकर अपने रूम में चला गया। तब तक मनु और संजय भी आ चुके थे, विराट भी, सबने हालचाल पूछा और चले गए। रात के 10 बज चुके हैं, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आई। तभी श्वेता का फोन आ गया और आधा घंटे बात हुई। बातें करते करते मन हल्का हो गया। सामने अंधेरे की एक चादर फैली है, उस पर मेरी तस्वीर उभरती है, मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। 35 रेडिएशन होनी है, मतलब 7 सप्ताह लगेंगे। 7 सप्ताह अचानक बहुत लंबा समय लगने लगा। तो मन ने बोला, देखो दोस्त, 35 से तो 7 कम ही है ना, अब अगर तुम इसे और कम करना चाहते हो तो एक और तरीका है मेरे पास, बताओ बताओ क्या। अरे पहला हफ्ता तो इस उत्साह में बीत जाएगा कि पहला है, और आखिरी हफ्ते को ऐसे बिताना कि लो हो गया खत्म। रह गए 5, तो 1, 2, 3, 2, 1 करके निपटा देना। हाँ हाँ, मैं सचमुच हंस दिया, क्या तरीका खोजा है तुमने। मन ना असल में जितना ज़िद्दी होता है उतना सरल भी होता है।
ऐसे जुगत लगाना तो ज़िंदगी खुद सिखाती है, कोई सिलेबस में तो पढ़ाया नहीं जाता। अपने मन के सुझाए फॉर्मूले से खुद ही इम्प्रेस हो गया मैं। कल का दिन भी दुकान नहीं जा पाऊँगा, इसका अंदाज़ा मुझे हो गया है। कल दिन भर घर पर रहना है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मुझे बेकार से लगने वाले सवालों के जवाब दिए नहीं जाते। सच तो ये है कि मुझसे जवाब ही नहीं दिए जाते। जानता हूँ मेरी इस चुप्पी को लोग कैसे कैसे समझते हैं, अधिकतर तो पागल ही मानते हैं, बेवकूफ़, नालायक, जाने क्या क्या। खैर, वह उनकी सोच है, मैं तो जैसे हूँ वैसा ही हूँ। चैप्टर 19। रेडिएशन का चौथा दिन है। आज सुबह 7 बजे से भी 5 मिनट पहले पहुँच गया। देखा एक पेशेंट और है, मतलब मेरा तीसरा नंबर है। मेरे साथ एक सरदार जी बैठे हैं जो मुझे बार बार देख रहे हैं। मुझे लगा वह बात करना चाहते हैं, तो मैंने ही उनसे पूछ लिया, कितनी रेडिएशन हो गई आपकी? तो बहुत नेगेटिव सा जवाब दिया उन्होंने। ऐसा क्यों कह रहे हो आप, रेडिएशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ना जी, कोई चांस नहीं, सब लोग तो यही बोलते हैं, कैंसर वाला कोई नहीं बचता। सब कौन, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले? वो सब डॉक्टर हैं क्या? उन्हें कुछ नहीं पता। आप अच्छे मन से ट्रीटमेंट करवाओ, आप ठीक हो जाओगे। सरदार जी की आंखें नम हो गई और तभी उनका नाम पुकारा गया और वह रेडिएशन कराने चले गए। अचानक उनके साथ आई उनकी बेटी ने मुझसे बातें शुरू कर दी। बोली, शुक्रिया अंकल जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी बातों में कितनी पॉजिटिविटी है। आपको कहाँ है कैंसर? मुझे नेजोफेरिक्स में है। ये कहाँ होता है? नेजोफेरिक्स आपके गले का शीर्ष है, जो आपकी नाक को आपके श्वसन तंत्र से जोड़ता है। इससे पहले कुछ और बात होती, मुझे तैयार रहने को कहा गया। असल में जब रेडिएशन रूम में पेशेंट की रेडिएशन पूरी होने वाली होती है, अगले पेशेंट को बाहर आकर कुर्सी पर बैठ जाना होता है। रेडिएशन मशीन पर लेटते ही मुझे सेकंड्स पहले कुछ अनुभव ने घेर लिया। ये तो बहुत ही अच्छा था, किसी से चार बातें करो, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, साथ ही खुद ही मोटिवेट हो जाओ। वह तो ठीक, लेकिन इस मशीन पर लेटे लेटे तो नेगेटिव बातें ही दिमाग में आएंगी, इनसे भी तो बचना है, मन बोल रहा है। तो ऐसा करो, मन ही मन में एक छोटी सी कविता लिखो। क्या लिखूं? अरे हाँ, लिखता हूँ ना, ना गिला कोई, ना शिकवा, ना शिकायत है, जिंदगी जो भी दिया तूने, तेरी इनायत है। एक और है, तनाव। एक नाव है, अच्छे से चलाई, पार पहुंचा देगी, संभल कर ना चली, जरूर डुबो देगी। हो गया अंकल जी, उड़ जाइए। वाह जी वाह, ये तो सुपर फॉर्मूला है, मन मुस्कुरा दिया। चैप्टर 20। आज रेडिएशन नहीं होनी है। शनिवार और इतवार 2 दिन की ट्रीटमेंट से छुट्टी। सुबह ही संजय के साथ दुकान पर चला गया। एक हफ्ता 2 हिस्सों में बट गया है, 5 दिन इलाज, 2 दिन छुट्टी। असल में 5 दिन भी 2 हिस्सों में बट गए हैं। सोमवार को फॉर्मेलिटी पूरी करो, मंगलवार कीमो, बुधवार आराम, गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन रेडिएशन के। दोपहर में कोई मरीज के रिश्तेदार आए मेरे पास, उनके पेशेंट की अर्जेंट सर्जरी होनी है। 6 यूनिट ब्लड चाहिए। मुझे तो ब्लड डोनेशन का काम छोड़े 4 साल बीत गए, मैं तो किसी के संपर्क में भी नहीं, क्या करूँ, अजीब सी स्थिति में फंस गया। एक बार ट्राई तो करके देख लो, जो बहुत क्लोज थे शायद कोई मान भी जाए, मन ने सुझाया। 6 लोगों को फ़ोन किया तो उनमें से 3 तो मान भी गए। जैसे ही उनको मेरे बारे में पता चला तो सबने मिलने आने की जिद भी की। 3 वह 1 विवेक 4 हो गए, तो ब्लड बैंक बात की, उन्होंने 2 यूनिट देने की हामी भर दी। इतवार के दिन भी मैं दुकान पर था तो उस मरीज की माँ और बहन मुझसे मिलने को आए और कुछ किताबें मेरे लिए उपहार में लेकर आए। मैंने भी राहत की सांस ली, ईश्वर का आभार व्यक्त किया कि इस मुश्किल हालात में मेरी परीक्षा तो ली मगर रास्ता भी दिखा दिया। सोमवार है, टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल है। रेडिएशन के बाद दुकान पर आया, बस इसी तरह अपने को व्यस्त रखना चाहता हूँ। विवेक सीधा मेरठ से बीएल के हॉस्पिटल पहुँच जाएगा, मैं भी 8 बजे पहुँच गया। इस बार तो सब ठीक से आराम से हो गया। जब रूम में पहुंचे तो देखा कि अभी 8:30 हैं, 9 बजे से पहले तो कीमो शुरू नहीं होगी। खिड़की के पास खड़ा शीशे से बाहर झांकता रहा, जैसे छोटे होते स्टेशन पर रेलगाड़ी देखने जाते थे, वैसे ही आज खड़ा मेट्रो ट्रेन को आते जाते देख रहा हूँ। 9 बजे सिस्टर नैन्सी आई,
पिछली बार हुई हमारी बातचीत से वह मुझे पहचानने लगी है। उसने बाएं हाथ में कैनूला लगाने की कोशिश की मगर ठीक से लगा नहीं, तो उसने सॉरी बोलकर दाएं हाथ में कैनूला लगा दिया और ड्रिप चालू कर दिया। पहली कीमो के अनुभव से मुझे समझ में आ चुका है कब क्या लगना है, कितनी देर में ड्रिप बदलेगा और शाम तक ये सब चलता रहेगा। विवेक कोई किताब लेकर आया है, उसे पढ़ने में व्यस्त है। अक्टूबर का महीना है, वैसे तो गर्म है मगर जाने क्यों मेरे पैर ठंडे होने लगे, तो पैरों से कंबल सरका लिया। चैप्टर 21। मन में विचार आते जा रहे हैं। मुझे याद आया एक बार किसी ने मुझसे कहा था, तुमने सुना होगा लोग अक्सर कहते हैं ना कि सोच कर बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि सोचना भी सोच कर ही चाहिए। इस समय ये बात का याद आना एक मैसेज ही है कि मुझे सोच कर ही सोचना है। सोचना तो हमारा रुकता नहीं है, लेकिन अधिकतर हम अतीत में घुसे रहते हैं या भविष्य की कोई कल्पना में। अगर कल्पना ही करनी है तो सुंदर से भविष्य की कल्पना क्यों ना की जाए। कीमो कराते कराते सेवा सोचने के मुझे करना भी क्या है। हेलो अंकल जी, कैसे हो आप? सोचने से पहले ही सोच छूट गई। देखा सामने डाइटिशियन खड़ी हैं। आज तो मंगलवार है, कढ़ी चावल ही मिलेंगे खाने में। मुस्कुराते हुए मैंने पूछा तो वह भी मुस्कुरा दी। जी अंकल जी, मंगलवार तो यही बनता है यहाँ। आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना, आपको थोड़ा थोड़ा खाना है हर 2-3 घंटे बाद। दूध तो पी सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल, रात में ज़रूर पीना है। अरे मामा जी, रात में तो वाइट वाइन पीते हैं, उसके बिना तो इनको नींद नहीं आती है, विवेक ने मुस्कुराते हुए बोला। नो नो, कोई वाइन नहीं मैम, मामा जी दूध को ही वाइट वाइन बोलते हैं। इस बात पर हम तीनों हंस पड़े। इस हंसी की खुशी बहुत देर तक मन में रही, इतनी देर कि कीमो का लगभग शेष समय ही बीत गया। शाम बस आने को है, चाय पीने के बाद नीचे रेडिएशन के लिए जाना है। आज मुंह में एक अजीब सा कसैला स्वाद है, ये शायद कीमो वाली दवा का ही है। उल्टी रोकने का इंजेक्शन तो पहले ही लगा देते हैं। रेडिएशन करवा कर लौटने लगा तो सोचा डॉक्टर प्रदीप को मेडिक्लेम क्लियर करने को बोलता हूँ, तो उन्होंने बोला डॉक्टर राम BLK में ही हैं, उनसे मिल लो। मेडिक्लेम क्लियर हो गया, कैनुला भी निकल गया, तो हम ऑटो से घर लौट रहे हैं। मन ही मन सोच रहा हूँ घर पर अब सभी प्रश्न करेंगे, क्या उत्तर देने हैं मुझे। मगर घर पहुँचते ही पापा जी ने बिना कोई सवाल किए बोला, जा रेस्ट कर ले अपने कमरे में। बहुत राहत महसूस हुई। चैप्टर 22। मेरा कमरा, 4 दीवारें, 1 छत, 1 दरवाज़ा और मैं अक्सर कमरे के कोनों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये कोने कितने सच्चे दोस्त हैं। वैसे अक्सर तो बेकार सामान को हम कोने में रख देते हैं, मैं भी अपने दुख तकलीफ़ें इन कोनों में सहेज कर रख देता हूँ। भांजी की शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो रहा है। जब उनके पास कोई आएगा तो निश्चिंत ही मम्मी पापा को बिना मिले तो जाएगा नहीं, घर पर हूँ तो मुझे भी मिलना ही पड़ेगा। रिश्तेदार जब तक बात की तह तक ना पहुँचे उन्हें मज़ा ही नहीं आता। मैं इसीलिए इस RBI रिलेटिव इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से बचने की कोशिश करता हूँ। मेरी अपनी एक अलग ही दुनिया है। मेरी दुनिया में वह सब लोग हैं जिनसे मेरे विचार मिलते हैं, इनसे मैं सब कुछ बांट सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन ने तो सब कितना आसान कर दिया है, जिससे जब चाहो बात कर लो, वीडियो कॉल करके मिल लो। मनु से सब शेयर करूँ इतना समय ही नहीं मिल पाता। रात देर से आता है तो मैं सो चुका होता हूँ, फिर दुकान के बाहर के काम भी उसे ही करने होते हैं। आज भी किसी काम से गया तो आते आते उसे शाम के 6 बज गए। हेलो, कैसे हो? कितनी कीमो हो गई? देखा सामने डॉक्टर नारंग जी खड़े हैं। मेरी दुकान से अगली दुकान में आपकी क्लिनिक है और 1992 से हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। नमस्ते सर जी, 2 कीमो हो गई है। मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें दुकान पर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे पास दवाई लेने सब मरीज आते हैं। कीमो रेडिएशन से तुम्हारी इम्यूनिटी वीक हो रही है और वीक होती जाएगी। तुम्हें और कोई इन्फेक्शन से खुद को बचा कर रखना है। मनु है ना, सब संभाल लेगा। और हाँ, ऑल द बेस्ट। मुझे भी लगा एकदम सही बात है और रात में मनु को बता दिया जो डॉक्टर साहब ने बोला। और यही फाइनल हुआ कि अब जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता दुकान पर नहीं जाऊंगा। चैप्टर 23।
आज रेडिएशन करवाकर घर लौटते ही ऐसा लगा कि बुखार हो रहा है, उल्टी आने को मन हो रहा है। कीमो के साइड इफेक्ट्स हैं जानता हूँ। दवा खाई, ब्रश किया और सोने की कोशिश करने लगा। मोबाइल की घंटी बजी, देखा श्वेता का फ़ोन है, उठाया ही नहीं। किसी से भी बात करने को मन नहीं है। फ़ोन शांत हुआ, मन अशांत हो गया। बाहर ड्राइंग रूम में कुछ रिश्तेदार आए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैंने अपने गले की तरफ इशारा करके बताया कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो वो चले गए। सारे टेस्ट तो हो गए हैं, कोई नाक में गांठ है, शुक्र है वो नहीं है जिसका डर था, कोई बिजली से सिकाई करके जला रहे हैं। पापा जी आए रिश्तेदारों को बता रहे थे, उनके गुप्त शब्द वो का मतलब कैंसर से ही है। मेरे मन के होठों पर एक पीड़ा भरी मुस्कान तैर गई, मन ही मन बोला, अरे पापा जी ये वही है। आज तो खाना भी नहीं खाया, पूरा दिन अपने आप से लड़ते झगड़ते समझते समझाते हुए बीता। अगले दिन रेडिएशन कराने गया तो पहले ही नंबर पर मुझे बुला लिया गया। अक्सर राकेश ही रहता है सुबह के समय, उसे भी मुझसे मिलना बात करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी यही रहता है कि जो भी मुझे मिलता है उससे बातें करूं, समझता हूं और कुछ पॉजिटिव देने की कोशिश रहती है मेरी। अंकल जी रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स अब मुंह में आएंगे और आपको ओरल हाइजीन पर विशेष ध्यान देना है, राकेश ने कार्ड मुझे थमाते हुए कहा। कैसा होता है ना कि कोई इतने अपनेपन से मन से आपका ख्याल रखने लगे तो मेरे मन में भी उसके प्रति प्यार जागना और उसकी फिक्र होना नेचुरल ही है। ज़िंदगी में व्यवहार से बहुत कुछ हासिल किया जाता है, सोचता हूँ तो मुझे मेरे व्यवहार के कारण स्वीकारा भी गया और धुतकारा भी गया। चैप्टर 24। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि किसी का साथ होना कितना ज़रूरी है। श्रीमती जी होती तो बात अलग होती, अब ऐसे में किसके पास इतना समय है जो मुझे समय दे। मुझे चाहिए कोई ऐसा जो मेरे मन की बात को समझ ले, ऐसा भी होता है क्या? खुद से पूछा मैंने तो उत्तर भी नहीं दे पाया, शायद अधिक भावुक हूँ इन पलों में। तो अपने ही लिखे शब्द याद आए मुझे, मैंने ही अपनी किताब खामोश इमारत में लिखा है कि इंसान को इमोशनल भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी। भावुकता हमें अपने भीतर की गहराई तक ले जाती है, जहां अंतर्मन से निर्देश मिलते हैं और इन्हीं निर्देशों का पालन करने से हमारा प्रैक्टिकल व्यवहार शुरू हो जाता है, मगर इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर रखना ज़रूरी है जो ज़िंदगी ही हमें सिखाती है। अरे ये बातें तो मैंने सुधा दी से कही थी। सुधा दी ऐसे तो मेरे साथ कुल 2 ही बरस रही जीवन में, मगर वह मेरे और मैं उनके मन की बात जान लेता था। जाने क्या सोचकर मैंने खामोश इमारत किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। गलती से मैंने शायद फ़ोन में रिकॉर्डर को ऑन किया होगा और मैं बोलकर पढ़ रहा था तो सब रिकॉर्ड हो गया। 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया तो ये क्रम टूटा। वो रिकॉर्डेड मैसेज मैंने श्वेता को व्हाट्सएप पर भेज दिया। थोड़ी ही देर में उसकी प्रतिक्रिया आई, वाह आपकी आवाज़ तो बहुत गहरी और दमदार है। मुझे लगा कि इन दिनों खाली तो हूँ ही, रोज़ 15 मिनट किताब पढ़कर ऑडियो बनाता हूँ और सबको भेज दूँगा। अच्छा आइडिया मिला अनजाने में ही सही। वो हम अक्सर कहते हैं कि गीता में लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस समय में ये रिकॉर्डिंग होना अच्छा हुआ कि मुझे कोई अच्छे तरीके से समय बिताने का रास्ता दिखा। चैप्टर 25। वीर जी कहाँ हो? सुनीता ने आकर मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। तुम कब आई? और अचानक विवेक के साथ आ गई। मंगलवार मेरी भी छुट्टी होती है, सोचा आपसे मिल लूँगी और आस्था की शादी नज़दीक आ रही है तो सरोज से भी मिल लाऊंगी। कैसा चल रहा है सब? ठीक है, मुस्कुराकर कहा मैंने। साइड इफ़ेक्ट्स? वो तो होने ही हैं, उनसे बचा ही नहीं जा सकता। चलो मैं आती हूँ सरोज से मिलकर थोड़ी देर में। अचानक सुनीता के आ जाने से मन में जो किसी अपने के होने की चाहत जगी उसकी पूर्ति होने लगी। ऐसे तो कल शाम तक विवेक के साथ लौट जाएगी, मगर उसके आने से मम्मी पापा जी को बहुत अच्छा लगा होगा ये निश्चित है। सुनीता और मेरी अच्छी निभती है, स्वभाव भी मिलता है, उसे बहुत कुछ नहीं कहना पड़ता। लेकिन एक बात है कि अंत में तो मुझे ही मेरे साथ रहना है ना, तो मुझे खुद से सब बातें करनी हैं।
जो भी दिक्कतें हैं उनके हल भी मुझे ही ढूंढने हैं। कोई भी किसी के साथ हमेशा तो नहीं रहता, ना ही रह सकता है। मेरे लिए मुझे ही सारे निर्णय करने हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे उससे निपटना है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, सब मुझे ही करना है। तुम कब से कर्ता बन गए, अंतर्मन ने जोर से हंसते हुए पूछा। हाँ जी, ये तो मैं गलत बोल गया, मैं तो माध्यम भर हूँ। मेरे चाहने से तो कुछ होता नहीं है, होता तो वही है जो ईश्वर चाहते हैं, तो मैं करता तो हो ही नहीं सकता। सुनीता लौट आई तो हम देर रात तक बातें करते रहे। रात आधी बीत चुकी है, दर्द जाग रहे हैं और शरीर के कोने कोने में अपना अधिकार जता रहे हैं। ये दर्द रात में ही जागते हैं, ऐसे में अक्सर दर्द की गोली ही काम आती है। आज कुछ ज़्यादा है दर्द, गोली ने भी कोई असर नहीं दिखाया। दर्द सहने की बहुत क्षमता है मेरी, मगर आज वह क्षमता भी फेल हो गई है। करवटे बदलते हुए रात बीती, सुबह जल्दी जाना है, कीमो का दिन है, रात में नींद आ जाती तो अच्छा होता। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।